डिविजिबिलिटी रूल देखो टू से लेकर के 11 तक, ठीक है? अगर आप इनको अच्छे समझ गए ना तो 11 क्या आप 12 का भी कर लेंगे, और 12 तो क्या आप 20 का कर लेंगे, और इससे आगे जो भी नंबर है उन सब का जवाब कर सकते हो। तो एक एक करके देखते हैं। आप सभी को पता है कि 2 से कोई नंबर, जैसे ये नंबर है 1, 4, 6, 8, 3, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस सर। नो। क्यों सर? क्योंकि लास्ट डिजिट इज, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है, यूनिट प्लेस है या वंस वाला जो डिजिट है या प्लेस है, वो जो वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो यही बोलता है कि लास्ट डिजिट का मतलब है वंस प्लेस या यूनिट प्लेस। तो अगर ए जो वो इवन नंबर हो, इवन नंबर का ज़्यादा मतलब है कि 2 के टेबल में आते हैं वो, तो ध्यान रखना इवन नंबर आप बोलते हैं 2 से स्टार्ट हुए, लेकिन इसमें ना 0 भी होता है। तो अगर इस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो आप बोल दो सीधा कि ये जो वो 2 से डिविजिबल है। अगर नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 है तो नहीं है 2 से डिविजिबल, तो क्या लिखो यहाँ पे? नो, या मैंने लगा दिया क्रॉस कि 2 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, 3 से कैसे चेक करते हैं जरा बताओ सर? सम ऑफ डिजिट्स। यस, सम ऑफ डिजिट करते हैं, ठीक है? सम ऑफ डिजिट जैसे 1 है, 4 है, इसको करो मैंने 1 + 4 + 6 + 8 + 3 कितना आ रहा है सम ऑफ डिजिट? जल्दी बोलो। 22 आ रहा है, ठीक है? 22 आ रहा है सम ऑफ डिजिट। देखो जब आप 3 से करेंगे ना और 9 से करेंगे ना, तो दोनों का प्रोसीजर सेम ही है, करना सम ऑफ डिजिट ही है इसमें भी और इसमें भी। बस जब इससे चेक कर रहे हैं तो आपने 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, और जब इससे चेक करें तो यहाँ पे 3 से। तो और हाँ, एक और बात है कि जब ये 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी होगा, क्योंकि 9 के जितने भी मल्टीपल हैं, ठीक है, जैसे 18 है, जैसे 27 है, 9 के टेबल में आते हैं ना ये, तो ये 3 के टेबल में भी आएंगे। तो इसका मतलब है आप जब 3 का चेक करें और सभी चेक करें तो आप 9 से चेक कर लो। क्या 22 9 के टेबल में आता है? नो सर, नहीं आता। तो 9 से नहीं हुआ तो क्या 3 से होगा? नो सर, 3 के टेबल में भी नहीं आता है तो नहीं होगा। हाँ, एक बात है कि 9 के टेबल में आ गया तो 3 के टेबल में भी आएगा, ठीक है ना? 3 के टेबल में नहीं आया, 9 के टेबल में नहीं आया, मतलब कि 3 और 9 दोनों से डिविजिबल नहीं है। अब देखो 4 से। अच्छा, 4 के लिए कैसे बताया था बताओ जरा? 4 का 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, यस, लास्ट 2 डिजिट 1, 4, 6, 8, 3, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 83। क्या, अच्छा सुनो, क्या ये 2 से जाता है? क्या लास्ट 2 से नहीं गया? देखो 2 के टेबल में जितने भी आते हैं ना, 2 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं, क्या वो 4 के टेबल में आएंगे? यस सर, सभी नहीं आएंगे, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि जो 4 के टेबल में आएंगे वो सारे 2 के टेबल में आएंगे, ठीक है? हम ऐसा बोलते हैं कि जो 2 के टेबल में ही नहीं आया वो जो वो 4 के टेबल में भी नहीं आ सकता। जैसे देखो 2 के टेबल में, 2 का टेबल लिखा मैंने, अब 2, 4, फिर क्या होगा 6, 8, और 4 का टेबल लिखा 4, 8, फिर 12। 2 के टेबल में जो है, जैसे 8 है, अच्छा 4 के टेबल में जैसे 8 है तो इसमें भी आएगा, 4 के टेबल में अगर 4 है तो इसमें भी होगा वो, ठीक है ना? तो जितने भी नंबर हमारे 4 के मल्टीपल हैं वो 2 के भी मल्टीपल होंगे, या हम लोग बोलते हैं कि जो 2 के मल्टीपल हैं वो जो वो 4 के मल्टीपल होंगे ही होंगे, तो बीच में चाहे हमने छोड़ दिया हो कुछ, ठीक है? तो समझे कुछ? यस सर। जैसे तो यहाँ पे देख लो कि 2 के टेबल में 83 नहीं आता है, और 4 के टेबल में, एक और बात सुनो, जैसे 4 का जो अगर मल्टीपल होगा तो वो 2 का भी होगा। इसका मतलब है जो लास्ट वाला इवन प्लेस आएगा, लास्ट वाला जो प्लेस आएगा ना, वो जो वो इवन नंबर ही होगा, लेकिन इवन नंबर ही होगा ऐसा नहीं बोला जा सकता, लेकिन इवन नंबर होगा वो। देखो कैसे, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 300, क्या 300 4 के टेबल में आता है? बोलो यस और नो, यस चेक करो, 2 डिजिट नहीं आता ना 4 के टेबल में, यस सर। तो इसका मतलब हमने तो यहाँ उल्टा बोलते हैं, हमने बोला 2 के टेबल में तो आता है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आया, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है। इसलिए इसका जो रूल है ना वो बोलता है कि 4 के टेबल, 4 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट 2 डिजिट जो वो डिविजिबल होने चाहिए। तो क्या जो वो यहाँ पे, अच्छा 3 ऑड नंबर है, 4 का टेबल देखो एक बार, 4, 8, 16, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, यूनिट पेस चेक करो, 8 है, 2 है, 6 है, 0 है। क्या यहाँ पे कहीं पे ऑड नंबर आया? नो सर, यहाँ तो ऑड नंबर है। तो ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। वैसे अगर हम 4 से चेक करें तो 4 2 जा होता है 8, 3 बच गया रिमाइंडर, तो 4 से हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो, बोलो जल्दी से। नो सर, नहीं हुआ 4 से। अच्छा 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है जरा बोलो सर? लास्ट में 5, यस लास्ट में जो वो 0 या 5 हो, तो क्या लास्ट में 0 या 5 में से कोई एक है? नहीं है, तो 5 से नहीं हुआ। अच्छा 10 का क्या बोलता है? 10 का बोलता है कि लास्ट में 0, यस लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में 0 है? नो सर, कहाँ है? नहीं है ना, तो यहाँ पे 10 से भी नहीं हुआ। अच्छा मैं बोल रहा था कि अगर आपको 12 का पता करना है या 20 का, तो उसके लिए एक ही रूल है सिर्फ। देखो कैसे, एक रूल क्यों बोल रहा मैं, जो हमारा 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, अगर आप उसको समझ गए तो बहुत सारे नंबरों के डिविजिबिलिटी रूल जो आप समझ गए। और यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, पूछेगा वहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है? और ये डिविजिबिलिटी रूल जो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर ए नहीं आते ना, देखो 5th तक तो कोई बताता नहीं है, 5th तक तो सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है? 6th में आते हैं पहली बार, तो 6th में आ गए, 6th के बाद वो आपको यहाँ नहीं चाहिए,
चाहे आप टेंथ में पढ़ रहे हो, चाहे आप ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो, आपको ये जो जिंदगी भर फिर याद रखने हैं कि कोई नंबर टू सीरीज, देखो ये डिविजिबिलिटी रूल हमें बता रहे हैं कि डिविजिबल है कि नहीं है, है ना, डिविजिबल है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और समझो, जैसे हम देख रहे हैं इस नंबर को हमने चेक नहीं किया, हमने हमें नहीं पता कि रिमाइंडर जो वो क्या आएगा, लेकिन टू के केस में हमें पता है कि रिमाइंडर क्या आएगा। जब डिविजिबल है तो रिमाइंडर जीरो आएगा, जब डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर क्या आएगा, बोलो वन आएगा। टू से पीछे जाओ, टू से पीछे दो पॉसिबिलिटी है, जीरो या वन, या वन। रिमाइंडर जीरो आया तब तो डिविजिबल है, रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो वन आएगा, फिर तो डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर जीरो आएगा टू के केस में, सॉरी डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर वन आएगा टू के केस में, जब टू से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। लेकिन जब हम थ्री से चेक करते हैं ना तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी बनती है, जब रिमाइंडर जीरो आया तो तीन से डिविजिबल है, लेकिन हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बची वन और टू वाली, तो वन और टू में से कोई एक आ सकता है थ्री से, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप 50-50 कर लो, आप मतलब कोई एक पे तुक्का लगा लो, डिवाइड नहीं करना है तो ऐसे देख लो कि वन और टू में से कोई एक तो हो गई, चला पता। यस सर। जैसे फोर, फोर के केस में हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी बन जाती है, जीरो हुआ तब तो डिविजिबल है, वन टू थ्री बचा, ठीक है, फोर नहीं आ सकता कभी रिमाइंडर। एक बात याद रखना कि इस नंबर को अगर टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर टू नहीं हो सकता कभी भी, टू से छोटा ही होगा, थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री से छोटा ही होगा, ठीक है, रिमाइंडर की बात हो रही है। फोर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा फोर से छोटा ही रिमाइंडर होगा, फोर से बड़ा हो गया तो फिर से टेबल नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ना। जैसे मैंने बोला 15 को अगर मैं 4 से डिवाइड, मैंने बोल दिया पहले ही कि 4 से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता, ठीक है, 4 से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। देखो 4 3 जा 12 माइनस क्या कितना आया 3, तो हुआ नहीं हुआ। अगर ये आपके 4 आ भी जाता है गलती से ना तो आपने गलत किया, इसका मतलब है फिर से आपको करना पड़ा 4 1 जा 4 तो रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, समझे इसको। अब देखो 6 का डिविजिबिलिटी रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये ही बताएगा आगे क्या करना है। आपके सिलेबस में 11 तक होंगे 6th क्लास में, लेकिन ये रूल जो वो आगे तक बताएगा कि आगे जो वो आगे वाले डिविजिबिलिटी रूल जो वो कैसे होंगे वो बताएगा। जैसे रोमन नंबर होते हैं ना, रोमन नंबर होते हैं कि जैसे 1 पता होता है, 1 2 पता है आपको, 10 पता है आपको x, फिर ix बोल दिया, जब आपको 1 से लेकर के 10 तक पता है फिर 20 का बन गया xx, फिर कुछ रूल्स हैं ऐसे कि डबल टाइम्स करो तो 10+10 20 हो गया, 3 टाइम्स करो तो 30 हो गया, ठीक है। जब आपको ए 3 पता है फिर कुछ रूल्स पता होना चाहिए, फिर आपको सारे नंबर पता लग गए। तो वैसे अगर आपको 6 पता लगे ना तो मैं बताऊँगा आपको सब कुछ पता लग गया। देखो 6 का क्या होता है, 6 का कोई रूल स्पेशल नहीं है, आपको बस यही चेक करना है कि 2 और 3 से हो बस। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? नो सर। क्या नंबर 3 से डिविजिबल है? नो सर। तो क्या 6 से होगा? नो सर। अब यहाँ पे एक बात समझो, ये तो चलो तुम लोगों ने रट लिया है कि 2 और 3 जो वो दोनों से होना चाहिए। हाँ, अगर 2 से हुआ 3 से नहीं हुआ तो नहीं चलेगा, या 3 से हुआ 2 से नहीं हुआ तो नहीं चलेगा, दोनों से हो, दोनों से डिविजिबल हो तभी बोलेंगे कि 6 से डिविजिबल है, ठीक है, इतना क्लियर है ना इतना? यस। अब देखो आगे, अब जैसे इसने बोला कि 2 और 3 दोनों से हो, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लो इसको, इसने क्यों बोला 2 और 3 से, क्या इसके फैक्टर 2 और 3 ही है, क्या इसका फैक्टर 1 नहीं है, क्या इसका फैक्टर 6 नहीं है, ये है इसके फैक्टर 6 के। इसने 2 और 3 तब लिए क्योंकि ये दोनों ही कंसिक्यूटिव है, कैसे है? कंसिक्यूटिव का मतलब होता है जो कंटिन्यूटिव है, जैसे 2 के बाद 3 आए, 3 के बाद 4 आएगा। अगर किसी नंबर के कोई 2 फैक्टर या 3 फैक्टर, 3 भी होंगे आगे, अगर किसी नंबर के कोई फैक्टर जो वो कंसिक्यूटिव हो, जैसे 2 और 3 एक साथ आ रहे हो, तो अगर आपने उस नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप जो वो उसके वो 2 फैक्टर लो जो कंसिक्यूटिव हो, अगर उन दोनों से हो गए तो इससे भी होगा, फिर समझे कि नहीं समझे। अब देखो 6 के रूल ने बता दिया कि 2 और 3, 6 का रूल बोल रहा है कि 2 और 3 दोनों से हो तो 6 से भी होगा, ठीक है ना। अब आगे देखो, जैसे मैं बोला 12 का, 12 के फैक्टर देखो 1 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है ना, फिर 4 के बाद 6 से भी जाता है, फिर जो 12 से भी जाता है, इसके जो कंसिक्यूटिव फैक्टर है वो कौन कौन से है, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद, ये सारे कंसिक्यूटिव है, 1 2 3 4, लेकिन आपको कोई 2 उठा लो, 3 4 उठा लिया, तो इसका मतलब ये होगा 12 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि 3 और 4 दोनों से हुआ तो 12 से भी हो जाएगा, लेकिन हो वो कंसिक्यूटिव। अच्छा, मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 भी तो कंसिक्यूटिव है, देखो जो 4 से होगा वो 2 से भी होगा, तो मैंने 2 नहीं उठाया। 2 का तो वैसे भी दिख जाता है कि लास्ट में 2 का मल्टीपल हो, ठीक है ना, चला पता 6 का। yes, तो आपको एक बात याद रखनी है, उसके फैक्टर जो वो कंसिक्यूटिव हो अगर उनसे डिविजिबल है तो उस नंबर से भी होगा। 7 का बोलो डिविजिबल है कि नहीं है, नहीं किया है, देखो देखो यहाँ देखो 7 का जवाब पिछले बस में वैसे 6 क्लास में है नहीं, आगे जो वो उसका है किसी पर्टिकुलर बुक में, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताता हूँ। 1 4 6 8 3, आपको क्या करना होता है, 3 का डबल करना होता है, बताया मैंने अभी ना। yes, बोलो 3 का डबल क्या होता है? 6 माइनस करना है जो बच गया नंबर, ये बचा था नंबर, तो माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 4 1, फिर से वो स्टेप, एक ही स्टेप है समझने वाला, लास्ट वाले का डबल करो पिछले वाले से माइनस करो और जो भी आएगा वो आ गया बस। अब यहाँ तक टेबल नहीं जा सकता 7 का, आप नहीं पढ़ सकते इतना बड़ा टेबल, तो फिर से वो स्टेप करो, 2 का डबल 4 माइनस करो, कितना बचा 2 4 1,
फिर से अब भी बड़ा नंबर है, जब तक छोटा नंबर नहीं आता सेवन के आसपास या सेवन का टेबल जहाँ तक तुम लोगों को आता है टू आंसर कर लो। टू का टेबल में सॉरी टू का डबल फोर, फोर्टीन में से फोर माइनस हुआ टेन, क्या टेन सेवन से डिविजिबल है? नो सेवन से डिविजिबल नहीं है, तो ए नंबर सेवन से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। अब देखो एट से, एट का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट थ्री डिजिट, तो लास्ट थ्री डिजिट 1 4 6 8 3, लास्ट थ्री डिजिट है 683, तो क्या एट से डिविजिबल है? नो सर। एट का टेबल इसी में पढ़ लो, 8 8 64, 4 बचा 43, 43 जो वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई ऑल ऑफ द नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, जो वो खुद है उसके और वन के अलावा जो वो किसी से नहीं जाता प्राइम नंबर, तो एट से भी नहीं है। टेन का कर लिया, इलेवन का देखो लास्ट 1 4 6 8 3, क्या करना पड़ता है? सम ऑफ इवन प्लेस और सम ऑफ ऑड प्लेस, बोलो इवन प्लेस का मतलब है 2 4 6, 6 वाला तो है नहीं हमारे पास, 2 और 4, 4 और 8 कितना हुआ 12। ऑड प्लेस का मतलब है जो ऑड प्लेसेस पर है, 1 है 6 है और 3 है, 1 + 6 + 3 कितना हुआ 10, इनका डिफरेंस करना है, कितना हुआ 12 माइनस, डिफरेंस का मतलब है बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करो, 12 - 10 2, क्या 2 डिविजिबल है 11 से? नो सर। देखो जब 11 की बात होगी तो 0 आ गया ना कहीं गलती से, तो 0 इज डिविजिबल बाई ऑल ऑफ द नंबर, 0 डिविजिबल है सभी नंबर से, ठीक है। लेकिन 11 से वो नंबर सारे डिविजिबल हैं जो 11 के मल्टीपल हैं, तो अगर यहाँ पे 11 आ जाता है तो इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है। 2 आया, 11 से छोटा है, 0 से बड़ा है, 11 से छोटे नंबर सारे जो वो डिविजिबल नहीं होते हैं एक्सेप्ट 0, ठीक है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं हुआ। तो आगे मैंने आपको बता दिया कि 12 का क्या होगा, 4 और 3 होगा, आप कंसेक्यूटिव फैक्टर लो उनके, जैसे 7 8 का कितना होता है 56, तो 56 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या बोलेगा कि 7 और 8 से हो दोनों तब 56 से होगा, चला पता, ठीक है। जैसे मैंने लिया 6 और 7 का कितना होता है 42, तो 42 का डिविजिबिलिटी रूल बोलेगा कि 6 और 7 से अगर कोई नंबर है तो 42 से भी होगा, ठीक है। और 6 का बोलता है कि 2 और 3 से चेक करना है, तो 42 से जब चेक करना है तो 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए और 7 से भी होना चाहिए। अब 2 और 3 से हुआ तो 6 से भी हो जाएगा, क्योंकि 2 3 जगह होता है 6, चला पता सारा। यस सर। तो कुछ इस तरह से आपने जो वो याद रखना है, घर में जाके एक ही काम करना है तुम लोगों ने, पहले जब आप फ्री हो जाएं होमवर्क करने के बाद आप क्या करेंगे, एक बार जो कोई एक नंबर उठा लो, 5 8 डिजिट वाला नंबर उठा लो कोई भी, जैसे 1 2 5 9 8 कुछ भी नंबर उठा लिया, ठीक है, 5 8 डिजिट वाला, फिर ऐसे लिख लो 2 3 या 12 आगे तक लिख लो कोई नंबर, ठीक है, फिर चेक करो, अच्छा कोई भी डिविजिबल नहीं हुआ, देखो कैसा नंबर है, देखो है ना अच्छा नंबर, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है आपने घर में जाके, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपने घर में जाके करना ही है।